हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार पुनः मैं आर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चहेते ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद आलोक में। जी हां दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं महत्वपूर्ण तत्वों की सीरीज के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा, तो फिर दोस्तों मैं वैसे ही एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं। और ये इम्पोर्टेंट एलिमेंट प्रीलिम्स पीसीएस की परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। यहां अगर केमिस्ट्री से क्वेश्चन बनता है तो यहां से आने वाले प्रश्नों की संख्या अपने आप दोस्तों बढ़ जाती है। तो आइए हम देखते हैं कि यहां से कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं और यहां से आने वाले प्रश्नों को हम आसानी से कैसे हल करें। क्लास को शुरू करने से पहले, जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, यूपी पीसीएस का नया बैच शुरू है। आपको यूपी पीसीएस के नए बैच को ज्वाइन करने के लिए एंट्री यूपी पीसीएस लिख करके इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है 9918000545454 पर आपको व्हाट्सएप करना है, या हमारे रवि सर के कुशल निर्देशन में संचालित सुपर टेट के बैच में अगर आपको एडमिशन लेना है तो 9125429436 इस नंबर पर आपको तुरंत व्हाट्सएप करना होगा दोस्तों, या फिर कुछ नंबर स्क्रॉलिंग हो रहे होंगे आपको उस पर व्हाट्सएप करना होगा। एडमिशन प्रक्रिया के बारे में बहुत ही आसानी से आपको सारी जानकारी प्राप्त ही हो जाएगी। इसके पहले मैंने एलिमेंट की एक श्रृंखला के साथ आपके सामने मैं आया हुआ था, उम्मीद मुझे है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आज भी आप सभी को अच्छा लगेगा। और दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो पॉजिटिव वे में अपना एक कमेंट जरूर करें। तो फ्रेंड देखते हैं कि आज हमें क्या देखना है। तो आज जो पहला पॉइंट है, भोपाल गैस त्रासदी में जिम्मेदार गैस कौन सी है, तो भोपाल गैस त्रासदी में जिम्मेदार गैस कौन सी थी, तो दोस्तों ध्यान देना आप लोग, C2H3NO। इसको दोस्तों हम कहते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट। और यह घटना है 3 दिसंबर 1984 की। दोस्तों इस समय क्या हुआ था, एक गैस के प्लांट में इस गैस का रिसाव हुआ था, MIC, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, MIC बोलते हैं। इसी गैस का रिसाव हुआ था और इस गैस के रिसाव होने के कारण बहुत सारे लोग मारे गए थे। यह घटना 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। अगला प्रश्न बेहद ही शानदार और बेहद ही इंपॉर्टेंट और हर परीक्षा में आने वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाफिंग गैस कौन सी, हंसाने वाली गैस कौन सी है। अगर इस गैस को हल्का सा छोड़ दिया जाए तो लोग हंसते हंसते गिर जाएंगे। सोचिए लाफिंग गैस कौन सी है, हंसाने वाली गैस कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बहुत शानदार सोच रहे हैं नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में। यह नाइट्रस ऑक्साइड ही होती है जिसको हम हंसाने वाली गैस कहते हैं, तो वो नाइट्रस ऑक्साइड है, यह हंसाने वाली गैस है। जी हाँ दोस्तों, आगे सोलर पैनल में किस तत्व का प्रयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कि सोलर पैनल में किस तत्व का प्रयोग करते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तत्व क्या होता है, सिलिकॉन। लेकिन इस सिलिकॉन के साथ क्या प्रयोग करते हैं, तो सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग कहां करते हैं दोस्तों, इसका प्रयोग करते हैं सोलर पैनल में। और आपको ध्यान देना होगा, जो सिलिकॉन होता है क्या होता है, ये अर्धचालक है, सेमी कंडक्टर है, इसको SI कहते हैं। परमाणु क्रमांक क्या होता है, 14 होता है। और दोस्तों ध्यान देना, जो इसका ग्रुप है इसको ग्रुप 14 में और ब्लॉक पी में शामिल किया गया है, ग्रुप 14 ब्लॉक पी में शामिल है। सिलिकॉन क्या है, एक प्रकार का सेमी कंडक्टर है, अर्धचालक है। क्लियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, ये क्या होता है, ये सेमी कंडक्टर है, अर्धचालक है। और सिलिकॉन का प्रयोग हम लोग कंप्यूटर में IC चिप में भी करते हैं। अगला प्रश्न, आशा धातु किसे कहते हैं, यानी कि आशा धातु क्या है, होप मेटल क्या है, ऐसी कौन सी धातु है जिसको हम आशा धातु कहते हैं, होप मेटल कहते हैं। दोस्तों आपको ध्यान देना होगा, यूरेनियम। क्लियर,
तो दोस्तों यूरेनियम ऐसी धातु है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम आशा धातु कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जान लीजिए, क्यों? क्योंकि इसी यूरेनियम से भविष्य में, इसी यूरेनियम से क्या होगा, भविष्य में ऊर्जा का उत्पादन होगा, और इसीलिए हम इस यूरेनियम को क्या कहते हैं, इसीलिए दोस्तों हम इस यूरेनियम को आशा धातु कहते हैं। अगर बात करें यूरेनियम का तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 92 होता है दोस्तों। इसको हम कहां शामिल किए हैं, इसको ब्लॉक एफ में शामिल किया गया है, इसको ब्लॉक एफ में शामिल किया गया है। और इस बात का ध्यान देना, ठीक, ग्रुप किसका क्या है, वो अनअवेलेबल है, ठीक, ग्रुप इसका अनअवेलेबल है। तो देखिए नाभिकीय विखंडन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग होता है ना, तो इसी से भविष्य में ऊर्जा प्राप्त होगी, इसको हम कहते हैं होप मेटल। दोस्तों आगे क्या है, आगे है भविष्य की धातु किसे कहते हैं, तो भविष्य की धातु किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आप सोचिए किसे हम कहते हैं भविष्य की धातु, भविष्य की धातु किसको हम कहते हैं। तो टाइटेनियम के बारे में डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। देखिए भाई टाइटेनियम ऐसी धातु है जिसको हम आशा धातु नहीं बल्कि भविष्य की धातु कहते हैं। तो यहां पर दो धातुएं हैं दोस्तों, एक है टाइटेनियम, एक क्या है, टाइटेनियम है, और टाइटेनियम के साथ एक धातु और है, इसका नाम क्या है, एल्यूमिनियम। इन दोनों को हम क्या कहते हैं, इन दोनों को हम कहते हैं भविष्य की धातु। टाइटेनियम और एल्यूमिनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है, ठीक। फटाफट आप सभी लोग उत्तर दीजिए कि सबसे क्रियाशील धातु कौन सा है, सबसे क्रियाशील धातु पूछ रहा है, अधातु नहीं है। तो दोस्तों सबसे क्रियाशील जो धातु होती है वो होती है सीजियम। क्या होती है, सीजियम। तो सबसे क्रियाशील धातु क्या है, ये होती है सीजियम। अगर सीजियम की बात की जाए तो दोस्तों ध्यान देना आप लोग, सीएस, तो सीएस क्या है, सबसे क्रियाशील धातु है सीजियम, क्लियर, सीएस। और दोस्तों यहां से बहुत सारे मात्रा में प्रश्न पूछता है, या फिर कौन सी धातु ऐसी है जिसका, जिसकी डेंसिटी सबसे अधिक मात्रा में होती है, क्लियर, कि सबसे अधिक मात्रा में किसकी डेंसिटी होती है। अगर हम बात करें सीजियम की तो दोस्तों ध्यान देना, सीजियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो क्या होता है, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों लगभग जो है आपका 55 होता है, और इसका जो ग्रुप है इसको ग्रुप फर्स्ट में शामिल किया गया है, इसको ग्रुप फर्स्ट में शामिल किया गया है, और जो इसका ब्लॉक है इसको ब्लॉक एस में रखा गया है। दोस्तों ये सीजियम है, ये सबसे क्रियाशील धातु है। प्रमुख आंसू गैस कौन सी है, दोस्तों वैसे तो आंसू गैस के रूप में अमोनिया भी प्रयोग में लाते हैं, ठीक है ना, वैसे तो आंसू गैस के रूप में अमोनिया भी प्रयोग में लाते हैं, लेकिन यहां क्लोरोपिक्रिन पूछा गया है, क्लोरोपिक्रिन, तो ध्यान देना क्लोरोपिक्रिन सीसीएल थ्री एनओ टू, तो सीसीएल थ्री एनओ टू क्लोरोपिक्रिन है, और दोस्तों ये क्या है, प्रमुख आंसू गैस है, इससे आंसू निकलते हैं। सड़े अंडे की गैस उत्पन्न करने वाला, सड़े अंडे की गंध जो है उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी है, तो ऐसी कौन सी गैस है जिस गैस से सड़े अंडे की गंध उत्पन्न होती है, जी हाँ दोस्तों हाइड्रोजन सल्फाइड है और क्या है, अमोनिया। ये दोनों ऐसी गैसें हैं जहां सड़े अंडे की गंध उत्पन्न होती है। अब दोस्तों बहुत शानदार प्रश्न है कि सड़ी मछली की गंध उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी है, तो ऐसी कौन सी गैस है जिससे सड़ी मछली की गंध आती है, तो दो गैसें ऐसी होती है जिससे सड़ी मछली की गंध आती है। पहले आप अपना उत्तर दीजिए, उसके बाद अपना उत्तर हम देंगे। तो दोस्तों ध्यान देना, रेडान और कुछ मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड से भी क्या होता है, सड़ी मछली की गंध आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो रेडान प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक, एलपीजी, दोस्तों पूछ रहा है कि एलपीजी रसोई का मुख्य घटक क्या है, ठीक है ना, एलपीजी रसोई गैस का, जो रसोई गैस होती है इसका मुख्य घटक क्या होता है, ठीक, तो एलपीजी रसोई गैस है, इसका
मुख्य घटक क्या होता है, यह प्रश्न दोस्तों पूछा गया है। तो ध्यान देना, अगर हम बात करें एलपीजी की तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका फुल फॉर्म पूछता है। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और ध्यान देना इसमें गंध के लिए मिथाइल मरकैप्टन, ठीक है, इसको इसमें गंध के लिए मिथाइल मरकैप्टन का प्रयोग करते हैं ताकि इसमें गंध मालूम पड़ जाए। पीसीएस की परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है, तो मिथाइल मरकैप्टन, ठीक, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, इसमें गंध के लिए मिथाइल मरकैप्टन का प्रयोग करते हैं। इसका जो मुख्य घटक है वो क्या होता है, ब्यूटेन गैस, और ब्यूटेन के साथ साथ क्या होता है, प्रोपेन गैस। तो ब्यूटेन और प्रोपेन क्या है, इसका मुख्य घटक है। आगे दोस्तों, आगे है सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। पहला तो इसका फुल फॉर्म पूछेगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसका प्रयोग करते हैं मोटर गाड़ियों में, ईंधन के रूप में इसका प्रयोग होता है, इसका मुख्य घटक क्या होता है। तो भाई सीएनजी क्या है, सीएनजी और एलपीजी दोनों पेट्रोलियम के ही रूप है, दोनों किसके रूप है, दोनों पेट्रोलियम के दोस्तों रूप होते हैं, और पेट्रोलियम के अगर रूप है तो आप ये बताएं इसका मुख्य घटक क्या होता है। ध्यान देना भाई, इसका मुख्य घटक होता है इथेन प्लस मेथेन, ठीक। एथेन और मेथेन क्या होते हैं दोस्तों, इसके मुख्य घटक होते हैं। तो एथेन और मेथेन क्या है, इसके मुख्य घटक होते हैं सीएनजी गैस के, क्लियर। आगे, चीनी को सफेद करने वाली गैस कौन सी है, ऐसी कौन सी गैस है जो चीनी को सफेद करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों आपके सेगमेंट का। तो हमने देखिए इसके पहले क्लोरीन के बारे में, हमने इसके पहले क्लोरीन के बारे में चर्चा की थी, बताया गया था जो क्लोरीन गैस होती है क्रमांक कितना होता है, 17 होता है दोस्तों। ये ब्लॉक एस में शामिल है, कहां पर, ब्लॉक एस में शामिल है, क्लियर, ये आपको बताया गया था। और दोस्तों ग्रुप कौन सा इसका है, इसका ग्रुप भी ऐसा है, तो क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये सब क्या है दोस्तों, इसको हम कहते हैं हाइलोजन ग्रुप कहते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, ये हाइलोजन ग्रुप में शामिल गैस है, और यही चीनी को सफेद करती है, जल को शुद्ध करती है, साफ करती है। फूलों का रंग उड़ाने वाली गैस कौन सी, तो दोस्तों दो चीजें होती हैं, एक है क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस से भी क्या होता है, फूलों का रंग उड़ता है, और एक है CaO CaOCl2, ये है क्या, ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, जिसको आप बोलते हो विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। तो भाई ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण का प्रयोग भी रंग उड़ाने में करते हैं, फूलों का या कपड़ों का, ठीक। आगे दोस्तों, ऐसा कौन तत्व है जो रंगीन यौगिकों का निर्माण करता है, तो बहुत ही आसान दोस्तों है, ऐसा कौन तत्व है जो रंगीन यौगिकों का निर्माण करता है, तो ये होता है क्रोमियम। क्या होता है, क्रोमियम। तो दोस्तों क्रोमियम एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा धातु है, तो क्या करता है, इसको हमने शामिल किया गया है क्रोमियम CR दोस्तों, इसका क्रमांक कितना होता है, 24 होता है, ब्लॉक एस में शामिल है, कहां पे है, ब्लॉक एस में शामिल है क्रोमियम, और जो इसका ग्रुप होता है, इसका ग्रुप क्या है, इसका ग्रुप है 6, छठे ग्रुप में शामिल है क्रोमियम। और ध्यान देना, जंगरोधी लोहा, जंगरोधी लोहा कैसे बनता है, तो जंगरोधी लोहा बनता है क्रोमियम की सहायता से, और ये क्या करता है, जहां इसको मिलाते हैं बहुत सारे रंग उत्पन्न करता है। तो क्रोमियम दोस्तों स्टील के निर्माण में, स्टेनलेस स्टील के निर्माण में क्रोमियम का प्रयोग करते हैं। आगे भाई, ऐसी कौन सी गैस है दोस्तों, या ऐसी कौन सी धातु है जो ग्लास में रखने पर तुरंत ऊपर की ओर उठती है। दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न है कि ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर उठती है, वह कौन सी गैस है। तो ध्यान देना दोस्तों, एक होती है हीलियम, लेकिन लिक्विड हीलियम ऐसी गैस होती है, जब इसको हम रखते हैं ग्लास में तो ये अपने आप क्या होती है, ऊपर की ओर उड़ जाती है। अगर आपसे हीलियम की बात करें दोस्तों, तो ध्यान देना हीलियम एस ब्लॉक में शामिल है, एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका, 2 होता है, हीलियम 2 एटॉमिक नंबर है, एस ब्लॉक में शामिल है, ब्लॉक एस में शामिल है, इसका ग्रुप कितना है, इसका ग्रुप है 18, और इसको हम कहते हैं जीरो ग्रुप की गैस, या इसको हम कहते हैं नोबेल गैस, ठीक। तो दोस्तों क्या होती है, हीलियम, लिक्विड हीलियम। आगे
सर्वाधिक घनत्व, तो सबसे अधिक डेंसिटी किस तत्व की होती है? सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व कौन सा है? बल्कि तत्व नहीं, ये पूछ रहा धातु कौन सा है। तो सबसे अधिक डेंसिटी वाली धातु दोस्तों कौन सी होती है? ध्यान देना, हमने पढ़ा है कि ऑस्मियम के बारे में, यानी ऑस्मियम एक ऐसी धातु है जिसका क्रमांक कितना होता है? 76 होता है, ब्लॉक डी में शामिल है, ग्रुप 8 में। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान देना, ऑस्मियम 76 क्रमांक है, ब्लॉक डी में शामिल है, ब्लॉक डी में शामिल है। ग्रुप क्या इसका है दोस्तों? इसका ग्रुप है 8। ये 8वें ग्रुप में शामिल है, सॉरी, हाँ ठीक है, 8वें ग्रुप में शामिल है। ऑस्मियम क्रमांक कितना? 76 है, ब्लॉक डी में आने वाला धातु है। और ध्यान देना, सबसे अधिक डेंसिटी किसकी होती है? सबसे अधिक डेंसिटी दोस्तों इसी की होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लीजिए, क्लियर। चलिए अब देखिए इसके बाद की बात करें तो दोस्तों इसके बाद देखिए, अगर हाँ अगर डेंसिटी की बात हम करते हैं तो 22,610 दोस्तों, 22,610 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, तो इसकी डेंसिटी सबसे अधिक होती है। इस बात का आप लोग ध्यान दें दोस्तों, डेंसिटी इसकी कितनी होती है? सबसे अधिक होती है। ठीक, अब देखिए आगे आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। सबसे कम घनत्व वाली धातु कौन सी है दोस्तों? ठीक उसके विपरीत क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि ऐसी कौन सी धातु है जिसकी डेंसिटी सबसे कम होती है। अगर सबसे कम डेंसिटी की बात की जाए तो देखिए 535 किलोग्राम मीटर माइनस क्यू होती किसकी होती है? तो दोस्तों क्या होती है? लिथियम। क्रमांक कितना है? 3, और ग्रुप कौन सा है? ग्रुप है फर्स्ट, ठीक है ना, सॉरी हाँ, ग्रुप है फर्स्ट, और ब्लॉक क्या है इसका? इसका ब्लॉक है एस। ठीक, किस ब्लॉक में है ये? एस ब्लॉक में शामिल है, ठीक है ना। तो एटॉमिक नंबर कितना है? 3 है, ग्रुप पहले में, ब्लॉक एस में। लिथियम एक ऐसी धातु है जिसका घनत्व सबसे कम होता है, इस बात का आप लोग अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा, क्लियर। चलिए आगे, पानी पर तैरने वाली धातु कौन सी है? ऐसी कौन धातु है जो पानी पर आसानी से तैरती है? देखिए दोस्तों, इसके पहले हमने सोडियम के बारे में पढ़ा हुआ है, तो सोडियम एक ऐसी धातु है जो पानी पर क्या होती है? तैरती है। तो सोडियम पानी पर तैरने वाली धातु है, क्रमांक कितना इसका होता है? इसका क्रमांक होता है 11, क्लियर। कितना होता है? 11 होता है। कौन से ग्रुप में शामिल है? ग्रुप फर्स्ट में शामिल है, ग्रुप फर्स्ट में शामिल है। कौन सा ब्लॉक इसका है? इसका ब्लॉक है एस। ये ऐसी धातु है जो जल में तैरती है, लेकिन ये ऐसी धातु है जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जलने लगती है। इसको जलने से बचाने के लिए केरोसिन के तेल में रखा जाता है ना, इसको जलने से बचाने के लिए केरोसिन के तेल में रखते हैं, यही वो सोडियम है। जीवनदायिनी गैस कौन सी दोस्तों? तो जीवनदायिनी गैस कौन सी है ये सभी लोग जानते होंगे, लेकिन सभी लोग फटाफट इसका आंसर दीजिए कि जीवनदायिनी गैस कौन सी है। जीवनदायिनी गैस कौन सी दोस्तों? तो कौन सी होती है? वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है? जीवनदायिनी गैस है, क्लियर। ये क्या है? जीवनदायिनी गैस है ऑक्सीजन। ठीक, तो पहला प्रश्न ये है, इसको हमने किस ब्लॉक में रखा हुआ है? तो पहला प्रश्न क्या है, इसको हमने किस ब्लॉक में रखा हुआ है? अगर ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक इसका पी होता है। अगर इसके ग्रुप की बात की जाए तो ग्रुप कितना है? 16वें ग्रुप में शामिल है ये। तो इसको हम कहते हैं जीवनदायिनी गैस। क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि ऑक्सीजन ऐसी गैस है दोस्तों जिसको सभी जंतु, सभी पेड़ पौधे श्वसन क्रिया में ग्रहण करते हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं होती तो ना तो पेड़ पौधे होते, अगर पेड़ पौधे ना होते तो हम लोग भी नहीं होते। तो ऑक्सीजन क्या है? जीवनदायिनी गैस है। आगे, मस्टर्ड गैस किसे कहते हैं दोस्तों? तो ध्यान देना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि मस्टर्ड गैस किसे कहते हैं। हालांकि इसको मस्टर्ड गैस कहते हैं, यह एक प्रकार का विस्फोटक है जिसका नाम क्या है? TNG। ठीक, यह है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। यह क्या है? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। तो
तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को हम मस्टर्ड गैस कहते हैं, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को हम क्या कहते हैं, मस्टर्ड गैस कहते हैं, और इसी को हम कहते हैं नोबेल तेल। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम नोबेल तेल भी कहते हैं, इस बात को ध्यान देना। और इसका प्रयोग जो है द्वितीय विश्व युद्ध में किया गया था दोस्तों, जब इसको हम उपयोग में लाते हैं तो इससे गैसें निकलती हैं और उन गैसों से त्वचा पर फफोले पड़ जाते हैं जिससे व्यक्ति शीघ्र ही मर जाता है। इसको हम कहते हैं टीएनजी, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, और ध्यान देना इसको हम नोबेल तेल भी कहते हैं। आगे अक्रिय गैसें कौन कौन सी भाई, तो दोस्तों पूछ रहा है कि अक्रिय गैसें कौन सी हैं। देखिए जो अक्रिय गैसें होती इनको हम कहते हैं अक्रिय गैस, इनको हम कहते हैं अक्रिय गैस, और या इनको हम कहते हैं नोबेल गैस, इनको हम कहते हैं नोबेल गैस, या इनको हम कहते हैं जीरो तत्व, जीरो तत्व भी कहते हैं, और इन्हीं को हम कहते हैं निष्कासित तत्व, इन्हीं को हम क्या कहते हैं निष्कासित तत्व भी इनको हम कह देते हैं। दोस्तों ये होता कौन सा है, अगर हम इनकी बात करें तो देखिए अगर इनकी बात की जाए तो दोस्तों पहला हीलियम नियान, ठीक, हीलियम नियान, ठीक है, आर्गन, क्या है, हीलियम नियान आर्गन क्रिप्टान, क्या है, क्रिप्टान ज़ेनान, ज़ेनान और रेडान। तो दोस्तों ध्यान देना आप लोग, ये ऐसी गैसें हैं जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम कहते हैं नोबेल गैस, इनको हम नोबेल गैस कहते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। इन्हीं का नाम क्या है, नोबेल गैस है। हीलियम क्रमांक कितना, 2, नियान का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टान का 36, ज़ेनान का 54, रेडान का 86, यह सभी का परमाणु क्रमांक है, इनको हम जीरो गैस भी कहते हैं। क्लियर, चलिए आगे दोस्तों। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार कौन कौन सी गैसें होती हैं, तो ध्यान देना पहली सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तीसरी नाइट्रिक अम्ल HNO3 नाइट्रिक अम्ल, चौथी सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ये चारों ऐसी गैसें हैं जो अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होती हैं, तो चारों को नोट कर लेंगे तो बहुत ही शानदार रहेगा आप सभी के लिए। तो चारों ऐसी गैसें हैं जिनका प्रयोग कहां होता है, जिनका प्रयोग अम्लीय वर्षा के रूप में दोस्तों किया जाता है। ठीक, आइए हम बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। विज्ञापन पट्टियों में प्रयुक्त कौन गैस होती है, देखिए हम देखते हैं, हम दोस्तों देखते हैं कि जो रेलवे स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर या बसों में एक ऐसे बोर्ड लगा होता है, एक ऐसा बोर्ड होता है, और उसमें क्या होता है, उसमें दिखाता है अक्षर, तो ये अक्षर ऐसा स्वाप करता है, 2, 1, 3 है ना, 4 ऐसे लिखा होता है, तो आखिर उसमें क्या होता है, ध्यान देना इसमें नियान बल्ब होता है, क्या होता है, इसी में नियान बल्ब होता है और उस बल्ब से चमकता है, तो विज्ञापन पट्टी इसको बोलते हैं। विज्ञापन पट्टियों में लगे बल्ब में कौन सी गैस, तो नियान गैस का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है जल को शुद्ध करने वाली गैस कौन सी भाई, तो जल को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का प्रयोग दोस्तों करते हैं, और क्लोरीन के साथ साथ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग भी करते हैं, इसके साथ साथ KMnO4 का प्रयोग करते हैं, KMnO4 का भी प्रयोग करते हैं जल को साफ करने में, तो क्लोरीन कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड व्यंजक चूर्ण को बोलते हैं, ये ब्लीचिंग पाउडर लाल दबाव पोटेशियम परमैंगनेट, इन सभी का प्रयोग कहां होता है, जल को शुद्ध करने में किया जाता है। आगे कोल्ड ड्रिंक बियर फूली हुई रोटी में उपस्थित गैस कौन सी है, फटाफट आप लोग इसका आंसर दीजिए कि फूली हुई रोटी में या बियर में या फिर कोल्ड ड्रिंक में कौन सी गैस भरी जाती है, तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। जी हाँ दोस्तों बहुत सही उत्तर आप सभी के हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सभी के उत्तर बहुत सही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आगे शुष्क बर्फ के नाम से विख्यात तत्व तो कौन सा है, शुष्क बर्फ के नाम से विख्यात गैस कौन सी है, तो आप बहुत सही सोच रहे हैं, सबका आंसर सही है, यह है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड,
यानी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं भाई, इसको हम बर्फ कहते हैं, शुष्क बर्फ, ठीक, सॉलिड आइस कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में कौन तत्व पाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा एलिमेंट अवेलेबल है? आप फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो ध्यान देना, सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित तत्व तो क्या है? हाइड्रोजन है, क्योंकि इसी हाइड्रोजन की ऊर्जा से, यही हाइड्रोजन सूर्य और तारों की ऊर्जा का स्रोत है। तो ध्यान देना, ये क्या है? हाइड्रोजन, यही जो है सबसे प्रमुख ऊर्जा का स्रोत है, क्योंकि नाभिकीय संलयन की क्रिया के द्वारा हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम का निर्माण कर देता है। क्या करता है? यह मिलकर के हीलियम का निर्माण कर देता है, और ध्यान देना वही सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित गैस कौन सी? तो भाई पहली कौन सी? नाइट्रोजन 78%, उसके बाद ऑक्सीजन 21%, उसके बाद दोस्तों आर्गन होती है 0.09%, फिर CO2 होती है 0.03%। ये गैसें होती हैं हमारे वायुमंडल में, प्रमुख रूप से ये गैसें पाई जाती हैं। वायुमंडल क्या है? हमारे पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ गैसों का आवरण ही क्या है? हमारा वायुमंडल है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में प्राप्त तत्व कौन सा है? तो ध्यान देना भाई, पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग में सबसे अधिक मात्रा में क्या होती दोस्तों? ऑक्सीजन गैस होती है, लगभग 46%। ठीक, चलिए आगे। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित धातु कौन सी? तो सबसे अधिक उपस्थित धातु कौन सी है? ये Fe है, लोहा है दोस्तों। कितनी होती है? यह होती है लगभग 35%। कितना परसेंट? 35% क्या होता है हमारी पूरी पृथ्वी पर? लोहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए। भूपर्पटी पर सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित धातु कौन सा है भाई? ये पूछ रहा है क्रस्ट पर, जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग होता है, जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग होता है उसको हम क्रस्ट कहते हैं। तो यही क्वेश्चन है कि इस क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में कौन धातु होता है? तो ध्यान देना भाई, अगर धातु की बात करें तो एल्यूमिनियम होता है। सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? एल्यूमिनियम होता है। अगर अधातु पूछता है तो सिलिकॉन होता है। सिलिकॉन अधातु है, एल्यूमिनियम धातु है। शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन तत्व पाया जाता है भैया? तो क्या होता है शरीर में दोस्तों? शरीर में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? ऑक्सीजन। शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक तत्व कौन सा होता है? ऑक्सीजन होता है। आगे, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो ध्यान देना, अगर सबसे हल्के तत्व की बात करें भाई तो वो हाइड्रोजन ही आएगा। सबसे हल्का तत्व कौन सा? तो वो हाइड्रोजन ही होता है, सबसे हल्का एलिमेंट हाइड्रोजन। क्लियर, ध्यान देना। आगे, सबसे हल्की धातु कौन सी दोस्तों? सबसे हल्की धातु कौन सी है? बहुत ही शानदार प्रश्न आ चुका है। अगर बात करें हम सबसे भारी धातु की क्या होती, तो ऑस्मियम होती है, और सबसे हल्की धातु क्या है? तो लिथियम है दोस्तों। लिथियम क्या है? लिथियम सबसे हल्की धातु होती है, लिथियम। ध्यान देना, यह प्रश्न आ चुका है कि सबसे हल्की धातु क्या होती है? लिथियम। अगर आपने लिथियम के बारे में नहीं पढ़ा तो अभी इसके पहले वाले वीडियो में लिथियम के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। जो लिथियम क्रमांक एक होता है, ये जो है ग्रुप फर्स्ट में शामिल है। ग्रुप फर्स्ट में क्या है? शामिल है। इसका जो क्रमांक है 3 होता है दोस्तों, और ये किस ब्लॉक में है? ये ब्लॉक एस में आता है। ठीक है, लिथियम सबसे हल्की धातु है। आगे, सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ऑस्मियम। चर्चा आपसे इस पर भी हो चुकी है कि सबसे भारी धातु कौन सी होती है, तो भाई सबसे भारी धातु कौन सी है दोस्तों? ऑस्मियम होती है, 76 इसका परमाणु क्रमांक है। अगर हम बात करें, इसको हम डी ब्लॉक में शामिल करते हैं, ग्रुप 8 में, तो ग्रुप 8 के ब्लॉक डी में आता है सबसे भारी धातु। पूछ लेगा दोस्तों सबसे भारी धातु कौन सा है। आगे, सबसे तन्य धातु कौन सा?
सबसे तन्य धातु कौन सा, ऐसा कौन धातु है जिसको तान करके लंबा कर सकते हैं? ध्यान देना, एक ग्राम सोना अगर मिल जाए, एक ग्राम सोना से, गोल्ड से 200 मीटर तार बन सकता है भाई, इससे तन्य क्या होगा? एक ग्राम सोना से 200 मीटर तार बन सकता है तो इससे तन्य क्या होगा? तो सबसे तन्य क्या होता है? औरम होता है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों? इसके बाद चांदी होती है, इस बात का ध्यान देना। इसके बाद अर्जेंटम होता है, सबसे तन्य औरम फिर अर्जेंटम। आगे, सबसे अघातवर्ध धातु कौन है? अघातवर्ध का पहले मतलब समझिए, मतलब इसका यह है जिसको पीटा जाए तो वो भंगुर ना हो, बहुत अघात यानी चोट सहने वाला तत्व धातु कौन सा है जो सबसे अधिक चोट सहता है? फटाफट आप लोग इस बात का उत्तर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, वो औरम ही होता है, वो सोना ही होता है। ठीक है, सोना को सबसे पहले ऑरिफेरस नाम दिया गया था, और ध्यान देना दोस्तों इसे हम औरम भी कहते हैं। अगर बात करें हम तो ग्रुप 11 में शामिल है, 79 इसका क्रमांक होता है, ग्रुप 11 में शामिल है, ठीक है ना। और जो इसका ब्लॉक है वो क्या है? डी है, ठीक है ना। ब्लॉक क्या है? डी है। हम सोने की बात कर रहे हैं भाई, कौन सा सोना? सोने वाला सोना है ना। देखिए भाई, काला सोना कोयला, काला सोना कोयला, भूरा सोना सोना ग्रेफाइट, और दोस्तों सफेद सोना प्लेटिनम, झूठा सोना फेरस ऑक्साइड जिसको कहते हैं आयरन पायराइड, और रोल्ड गोल्ड एल्युमिनियम प्लस कॉपर से बनता है, इस बात का भी ध्यान देना आप लोग, ठीक है ना। और काला सोना क्या होता है? कोयला होता है। विद्युत की कुचालक, विद्युत की कुचालक परंतु ऊष्मा की चालक, विद्युत की कुचालक परंतु ऊष्मा की चालक भाई क्या होती है? तो मैं आपको एक इंडिकेट कर रहा हूं, पीबी। क्या होता दोस्तों? पीबी। अब पीबी क्या है, फटाफट आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो ध्यान देना, सीसा होता है, लेड होता है। क्या होता है? लेड। दोस्तों लेड ऐसा एलिमेंट है जिसको हम, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? इसका एटॉमिक नंबर है 82, और दोस्तों इसको हमने शामिल किया है ब्लॉक पी में, ब्लॉक पी में आता है। अगर इसके हम ग्रुप की बात करें, इसका ग्रुप है, इसका ग्रुप है 14, है ना। तो भाई सीसा ऐसी धातु है, लेड ऐसी धातु है जो विद्युत की क्या है? कुचालक है, परंतु ऊष्मा की चालक है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। आगे, विद्युत की चालक अधातु लीजिए। विद्युत की चालक अधातु क्या है दोस्तों? तो ध्यान देना, कार्बन का नाम सुना आप लोगों ने, एक कार्बन का एलोट्रोप्स होता है जिसका नाम क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन का एलोट्रोप्स है दोस्तों, ये कार्बन से बनता है, और ग्रेफाइट में वह गुण है, ये अधातु है। तो विद्युत की चालक अधातु क्या होती? ग्रेफाइट होती है। ग्रेफाइट विद्युत की चालक होती है भाई। और ध्यान देना, इसको प्रयोग करते हैं लुब्रिकेंट्स में, यानी कि स्नेहक में। इसका प्रयोग स्नेहक में होता है। इसका प्रयोग कहां होता है? पेंसिल की लीड में इसका प्रयोग करते हैं, पेंसिल की लीड में इसका प्रयोग करते हैं, नाभिकीय भट्ठी में, नाभिकीय भट्ठी में शीतलक के रूप में भी ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिल्कुल आपके लिए लक्ष्य भेदी बार है ये सब। आगे दोस्तों क्या है कि द्रव रूप में, द्रव रूप में उपस्थित, द्रव रूप में उपस्थित, प्रश्न क्या है कि द्रव रूप में उपस्थित अधातु कौन सी है? ऐसी अधातु जो लिक्विड फॉर्म में है। जी हाँ, बहुत सही सोच रहे हो, इसको हम कहते हैं ब्रोमीन। दोस्तों क्या होती है? ब्रोमीन। और ब्रोमीन क्या है दोस्तों? ब्रोमीन एक हैलोजन ग्रुप में शामिल है, इसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन सब शामिल होता है। अगर बात करें हम क्लोरीन की, ब्रोमीन की, तो इसका क्रमांक कितना होता भाई? इसका जो क्रमांक होता है वो 35 होता है, ठीक है ना। कितना होता है? 35 क्रमांक इसका है। और जो इसका ग्रुप है वो कितना है? ग्रुप इसका 17 है दोस्तों। और ध्यान देना, अगर बात करें ब्लॉक की, तो ब्लॉक क्या है? पी है। ब्लॉक पी में ये शामिल है, द्रव रूप में उपस्थित अधातु। आगे आगे है, हथेली पर रखते ही, हथेली पर रखते ही गल जाने वाली धातु कौन सी है दोस्तों? तो ध्यान देना, गैलियम का नाम आपने सुना होगा। तो भाई गैलियम परमाणु क्रमांक 31, ठीक, गैलियम क्रमांक कितना होता है? 31 होता है दोस्तों। अगर बात करें इसको ब्लॉक की, इसका जो ब्लॉक है वो पी है। ब्लॉक क्या है इसका?
इसका पी ब्लॉक है, अगर बात करें इसके ग्रुप की तो ग्रुप कितना है 13 है, इसको हमने ग्रुप 13 में शामिल किया है। भाई जैसे रखेंगे हथेली पर या कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर या हथेली पर रखते ही क्या होगा, ये गल जाती है। तो हाथ पर रखते ही या कमरे के तापमान पर गलने वाली धातु कौन सी है, गलना, तो गैलियम, गैलियम होती है। आगे द्रव अवस्था में उपस्थित धातु दोस्तों कौन सी है, यार भाई पारा, ठीक है ना दोस्तों, क्या होती है पारा, जिसको हम क्या बोलते हैं HG बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों इसको हम कहते हैं HG यानी पारा। तो पारा ऐसी धातु दोस्तों जो द्रव अवस्था में उपस्थित है, ठीक। तो अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है कि द्रव अवस्था में उपस्थित धातु कौन सी है तो आप क्या बताओगे पारा। अब सर्वाधिक गलनांक वाली धातु कौन सी है, तो ध्यान देना भाई टंगस्टन दोस्तों, टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, टंगस्टन का गलनांक होता है 3420 डिग्री सेल्सियस, परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है कि टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, तो 3420 डिग्री सेल्सियस में होता है गलनांक इसका। और अगर बात करें इसके हम एटॉमिक नंबर की तो 74 होता है, ब्लॉक एस में शामिल है, क्लियर। आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों आगे है निम्नतम गलनांक वाला धातु क्या है, सबसे कम गलनांक किसका होता है दोस्तों, तो अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो ध्यान देना आप लोग, ये होता है गैलियम का, क्लियर। क्या होता है गैलियम दोस्तों, तो यही आपका आखिरी प्रश्न था। अब हम फिर मिलते हैं आपसे अगले सीरीज में, अगर दोस्तों क्लास आपको अच्छी लगती है तो अगर आपको पीसीएस की बैचेस ज्वाइन करना है तो एंट्री यूपी पीसीएस लिख करके व्हाट्सअप करें 9918000454 इस नंबर पर आपको हमें व्हाट्सएप करना है, या अगर आपको सुपर टेट की बैच ज्वाइन करनी है तो 9125423936 लिख करके व्हाट्सएप करना है। तो दोस्तों अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल, जय हिंद जय भारत।